हाल है। मोबाइल की रोशनी में मंत्री ने निरीक्षण किया है। देवरिया में अस्पताल और बिजली का बुरा हाल है। मोबाइल की रोशनी में मंत्री ने निरीक्षण किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया है। आप देख रहे हैं और आपको पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जो निरीक्षण किया है, आप अस्पताल का मोबाइल की रोशनी में निरीक्षण किया जा रहा है, कितना कारगर यह निरीक्षण रहा होगा आप समझ सकते हैं। अस्पताल का मोबाइल की रोशनी में निरीक्षण किया जा रहा है। कई महीनों से खराब है अस्पताल का जनरेटर और सीएमएस डॉक्टर माला सिन्हा ने मंत्री के पैर भी छुए हैं। बिजली कटौती से अस्पताल में मरीज परेशान है। मोबाइल की रोशनी में निरीक्षण हो रहा है। देखिए, देवरिया जिला अस्पताल की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यहाँ की साफ सफाई और वार्डों की स्थिति में आपने खूब अपने आंखों से देखा है। जिलाधिकारी और सीएमएस से बात करूंगा और उसका निदान कर पाऊंगा। आज तो उनका निरीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कल मैं 10 बजे आऊंगा। जिला अस्पताल निरीक्षण किया उन्होंने? जिला पुरुष अस्पताल का निरीक्षण किया। आप निरीक्षण के दौरान मंत्री का पैर क्यों छू रही थी? शिष्टाचार में, शिष्टाचार तो खत्म होना चाहिए। वो बड़े हैं हमसे। और मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। मनीष, ये कैसा निरीक्षण था जो टॉर्च की रोशनी में ही संभव हो पा रहा था? जी खुशबू, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जिला अस्पताल का औजार और सर्वेक्षण कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया है, 2 दिन पूर्व में जो है यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कुशीनगर में बैठक किया था और इसे सीएमओ से लेकर कई सीएमओ को पेश करते थे कि और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर थी, उसी को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने आज जो है जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। लेकिन आप साफ तौर देखिए किस तरह से लचर व्यवस्था है जिला अस्पताल की, कि टॉर्च की रोशनी में किस तरह से वहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। कोई कार्यवाही अब होगी क्या? अब मतलब अस्पताल में तो रोशनी नहीं है ना, तो मरीज तो परेशान हो रहे हैं। क्या टेक है इस पे फिर अब आगे? देखिए, आपको मैं साफ तौर से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लापरवाही हो रही है, आए दिन की घटना है। अस्पताल में कई महीनों से जनरेटर और लाइट खराब पड़ा हुआ है, कई महीनों से लाइट खराब हुआ है और जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।